मैं शुरू करना चाहता हूँ ये वीडियो वेस्ट इंडीज़ के उस प्लेयर की फ़ोटो के साथ जहाँ उसने सैल्यूट किया है, आर्मी सैल्यूट किया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं हुई आईसीसी को। पाकिस्तान की टीम ने नमाज पढ़ा ग्राउंड पे, वो रिलीजियस हरकत थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर अचानक से इंडियन टीम कैप पहन लेती है आर्मी की, हाहाकार मच जाता है, आईसीसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर धोनी बलिदान बैच का ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि वो उस आर्मी की उस फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रिस्पेक्ट, वो पेट्रियाटिज़म शो करना चाहते हैं, फिर से हाहाकार मच जाता है आईसीसी में। मैं ये जो अजीब सी हिपोक्रेसी है, ये क्या इंडिया के ही प्रति सबको सारी प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को बहुत परेशानी, बहुत चुल मची है, वो बहुत प्रेशर बनाना चाहता है, लेकिन वो दो कौड़ी के देश के लिए, आईसीसी इंडिया जैसे देश को जो बीसीसीआई इतना बड़ा स्टेक रखता है आईसीसी में, पूरे एक वर्ल्ड के जो जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें बीसीसीआई बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है एक तरीके से, लेकिन आप उसको उसके अगेंस्ट जाके आप धोनी के ग्लव्स को क्वेश्चन कर रहे हो। ना ही वो रिलीजियस बिलीफ को हानि पहुंचा रहा है, ना ही कोई ये पॉलिटिकल मोटिव है, एक पैट्रियटिज़म का मामला है। उसको इतना उछाल के नेगेटिवली इशू क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? बस मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे अपना कोई व्यू पॉइंट रखते हैं, इस पे कमेंट करें, मुझे बताएं, और अगर आईसीसी में कोई देख ले कभी भी गलती से, वो मुझे बताएं कि इस हिपोक्रेसी का क्या मतलब है। और अगर आपकी ये सोच, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, इस चीज़ को हटाना अगर जायज़ है तो क्यों जायज़ है, बस मैं जानना चाहता हूँ। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।